पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। कोर्ट ने भले ही उसको सजा दे दी हो, जब तक मैं उसे सजा नहीं दूंगा ये केस खत्म नहीं होगा। इसलिए तो मरने का नाटक किया था। अब मेरा खेल शुरू होगा। कितने दिन लग गए जख्म भरने में, हिल तक नहीं पा रहे थे। अब जरा सा चलना शुरू किया तो बाहर टहलने चले गए। दिमाग को ठंडा रखो, सुकून से रहो। कौन तो सिर्फ एक बात कहे चाचा, मेरा पूरा परिवार और बाकी सब लोग उस आग से सही सलामत निकल गए। सलामत तो अब सिर्फ एक आदमी नहीं रहेगा, भले ही वो जेल में क्यों ना हो। मम्मी ये क्या किया तूने? कि ये गन, ये सब हमारे अगेंस्ट जा सकता है। ये लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, हम पर केस हो सकता है। एक साधु ने तेर टूटे, ऐसी हालत हो गई है मेरी अश्विन। आपकी गलती नहीं है माँ, लेकिन इस गन के कारण पूरी बात को गलत तरीके से देखेंगे। और सोरा को एडॉप्ट करने से मना कर दिया तो? कल्पना जी एक मिनट, क्या हुआ? आप लोग अपसेट दिखाई दे रहे हैं। सॉरी रुक्मणी जी, सिर्फ आपके कहने पे मैं यहाँ पर्सनली इंस्पेक्शन करने आई, लेकिन यहाँ पर तो आप मुझे 5 मिनट दीजिए प्लीज, 5 मिनट। आप लोग आइए हमारे साथ और आप लोग भी आइए। बस इसी की कमी थी, अगर नसीब खराब हो ना तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। देखा सुशी, ये पुष्पा भी ना मानेगी नहीं। बोला था बापूद्रा ने उसको कि बस्ती वाली बात को आगे मत बढ़ाना, फिर भी नारी मोर्चा लेके आ गई। जीती एक नंबर नहीं जीती है। अब बोलना मत बापूद्रा को, रोकना पड़ेगा तेरी सहेली को। काम पहले रिश्ता बाद में। ये यहां क्या करने आ रही है? रही सही कसर पूरी करेगी अभी है। 100% मामला बिगाड़ेगी है। नमस्कार पुष्पा बेन, आप सोच रही होंगी कि अब ये रुक्मिणी खेल बिगाड़ देगी, है ना? आप मुझ पर भरोसा नहीं करती, मैं जानती हूँ। मैंने कभी आपको मौका भी नहीं दिया कि आप मुझ पर भरोसा कर सके, लेकिन एक बार भरोसा करके देखिए, निराश नहीं करूंगी आपको। पापा क्या हुआ? मम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है। पापा प्लीज भी कुछ मत बोलना, वरना स्वरा का मामला बिगड़ जाएगा, प्लीज। कल्पना जी, आप पुष्पा बहन और उनकी पूरी फैमिली पर आंख बंद करके भरोसा कर सकती हैं। मैं गारंटी देती हूँ इस बात की, पुष्पा बहन का इस चौल में ही नहीं आसपास के एरिया में भी काफी नाम है। मोहल्ला समिति की अध्यक्ष भी हैं ये। कल्पना जी, हमारे आसपास के लोग तो हमारे बारे में तारीफ करते ही हैं, पर इंसान की सही पहचान तब होती है जब बाहर वाले भी उसकी अच्छाई करें, बाहर वाले भी उसकी तारीफ करें। मेरी मानिए, अच्छे लोग हैं ये। मेरी तारीफ ही कर रही है ना, टांग तो नहीं खींच रही? कहीं मुझे चने के झाड़ पे चढ़ाकर ऊपर से धक्का तो नहीं मारेगी ना? जैसे ठीक हुए बाहर घूमने चले गए। क्या करे चाचा, टाइम नहीं है।
पर आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया ना, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, हम तो निमित्त होते हैं। होगा पिछले जन्म का कोई उधार, इस दफा चुका दिया। तुम काफी दिनों से यहाँ पर हो, अब अपने घर वालों के पास जाओ, वो तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। नहीं चाचा, जिसने मुझे और मेरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की है, जब तक उसे खत्म नहीं करूंगा मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। और उसके लिए मुझे जेल जाना होगा। जेल? जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो जेल में है, तो हिसाब चुकता करने वहीं जाना होगा। और दूसरी बात, हैदराबाद वाला मामला फिर से खुलेगा तो सबको पता चल जाएगा कि जेल में आग मैंने लगाई थी। उसकी सजा भी तो होगी। कल्पना जी, पहले मुझे पुष्पा बहन पर बहुत गुस्सा आता था, अध्यक्ष की कुर्सी जो हड़प ली थी। मैंने इन्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पुष्पा बहन ने कभी भी मेरे प्रति खराब व्यवहार नहीं किया, पलट कर वार नहीं किया मेरे ऊपर। ये सारी महिलाएं इस बात की साक्षी हैं। इतना ही नहीं, पुष्पा बहन की अच्छाई तो ये सारी महिलाएं अपने अनुभव से भी आपको बता सकती हैं। आइए बताइए आप लोग। मैडम, मेरे घर का कुछ हिस्सा पड़ोसी ने दबोच के रखा था। खूब चांगली है पुष्पा मैडम। मैडम, आपको दिलीप को लेकर भी प्रॉब्लम है ना? तो दिलीप और पुष्पा का तो कब से डिवोर्स हो चुका है, और आपने दिलीप के बारे में जो कुछ भी सुना है वो तो बहुत पुरानी बात है। पिछले कुछ दिनों से दिलीप भी काफी सुधर गया था। अभी साई विला रेस्टोरेंट में जो आग लगी थी, उसमें अपनी जान को जोखिम में डाल के बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी, उसमें से मैं भी एक थी। मैडम, वो गन वाला लड़का पकिया मेरे साथ यहाँ वर्कशॉप में ही काम करता है। वो जिस बस्ती में रहता है ना, उस बस्ती को गिराने का आदेश दिया गया था। सायन वार्ड के जो कॉरपोरेटर है ना, रवि बापोतरा, वो इस स्टॉल के मालिक भी है। वो यही रखता है। पकिया उनको धमकाने के लिए वो गन लेकर यहाँ आया था। जब भी पुष्पा को इस बारे में पता चला तो उसने तुरंत पकिया से वो गन छीन ली। जो गन वहां पुष्पा के घर में गिरी वो पकिया की गन थी, यही सच है। जी पाटी सर, पुष्पा जी से बात हुई? हाँ जी, वो बात हुई। वो स्टे लाना चाहती है, लेकिन बापोतरा बात करेगा उससे। जो करना है जल्दी करो बापोतरा जी, वक्त निकलता जा रहा है। बाकी सब काम काज छोड़कर आप इसके पीछे लग जाइए। जी जी, पुष्पा से बात करके आपको फोन करूंगा। लेकिन पाटिल साहब, ये बस्ती वाले बहुत गुस्से में। वहाँ एक लड़का है पकिया, वो पुष्पा के वर्कशॉप में काम करता है। वो बंदूक लेके आया था चाल में बापोतरा को धमकाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? बापोतरा जी, आप फौरन उस लड़के को अरेस्ट करवाइए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। पुष्पा ने उसकी गन छीन ली और समझा बुझा के घर भेज दिया अभी। बापोतरा जी, आप कोई रिस्क मत लीजिए। आप कहो तो दो हवलदार भिजवा दूं आपकी सिक्योरिटी के लिए। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पाटिल साहब, सब कंट्रोल में। ऐसा कुछ रहेगा तो बापोतरा बोलेगा। तो बापोतरा पुष्पा से बात करके आपको फोन करेगा, बरोबर? जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। कोर्ट के ऑर्डर से संतोष करंजीकर को जुडिशियल कस्टडी में हमारे इंटरोगेशन के परमिशन लेटर है। पूछताछ के लिए आते रहेंगे हम। ओके मैडम, बगा दे।
बुलाया तुम्हें? चल चल। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।